नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर। तो हमारी फेवरेट संडे क्वेश्चन आंसर वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखते हैं क्या क्वेश्चन आपने पूछे हैं लास्ट वीडियो में, इनका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो में पूछे, अगली वीडियो में रिप्लाई करूंगा। तो ऋषि जी कह रहे हैं बेस्ट सप्लीमेंट शॉप, तो थैंक यू ऋषि जी। यहाँ पर अबिर हसन जी कह रहे हैं लव इट सप्लीमेंट विला, तो थैंक यू इतने प्यार सपोर्ट के लिए। पिंटू जी कह रहे हैं मेरा वेट 48 केजी है, ये 21 साल का हूँ, आर सिक्स मास गेनर सही होगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए बल गेनर, जैसे लबराडा वगैरह हो गया, पावर मास गेनर हो गया, तो इनमें से आप कुछ चूज़ कीजिए। यहाँ पर मोनी जी कह रहे हैं शाहजहानपुर में शॉप की ओपनिंग करोगे, तो भाई बिल्कुल जो है जहाँ आप कहेंगे वहाँ मैं आऊँगा। बट अभी जो है नेक्स्ट जो ओपनिंग होनी है वो आपकी होगी मेरठ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बट उसके बाद फिर अगली ओपनिंग कहाँ होगी वो आप बताएंगे, वहीं आएंगे। तो यहाँ पर तेजवीर जी कह रहे हैं भाई जी मैं सैटरडे आया था, आपसे मीटिंग नहीं हो पाई पलवल। तो तेजवीर जी मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि शनिवार को मैं किसी अर्जेंट काम से बाहर था, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। और नितिन कुमार जी कह रहे हैं थैंक्स सर, पावर मास गेनर लिया था, 5 kg वेट गेन हो गया है, थैंक्स सर, हम आपसे मिलने भी आएंगे। तो थैंक यू नितिन जी इतने प्यार सपोर्ट के लिए, और बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपको वेट गेन हुआ, आपके फिटनेस गोल्स अचीव हुए हैं। तो पावर मास गेनर दी बेस्ट मास गेनर है। अगला क्वेश्चन दीपक जी कह रहे हैं भाई साइकोटिक की ओपनिंग एक वीडियो बना दो, ओरिजिनल फेक कैसे पता करें, तो इसको लेकर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा दीपक जी। अगला क्वेश्चन विक्रम जी कह रहे हैं सर हम दुबई में हैं, सर कोई अच्छा सप्लीमेंट बताएं कि हमारे बाइसेप्स अच्छा और तेज उसे बने। तो यहां पर आप जो है दुबई में आप RC प्रो इंडियम ले सकते हैं, वो अवेलेबल हो जाएगा, काफी अच्छा ऑप्शन है, और एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट आ सकें। यहाँ पर हे शॉर्ट्स कह रहे हैं सर आपकी दिल्ली में कहाँ पर है शॉप? सर तो दिल्ली में है कालका जी नेहरू एंक्लेव मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से देशबंधु कॉलेज रोड पे 400 मीटर आगे चलना है, बस वहीं है। सूरज चंद जांगीर कह रहे हैं सर जयपुर में भी शॉप डालो, तो जरूर जयपुर में भी शॉप खुलेगी सप्लीमेंट्स विला की, हमारी शॉप, हम सब की शॉप। यादव जी कह रहे हैं सर मसल कैसे पुट ऑन करें, तो मसल पुट ऑन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डाइट का ध्यान रखना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, प्रोटीन इनटेक पूरा रखो, आपको मसल पुट ऑन होगा। अगला क्वेश्चन है आशीष कपूर कह रहे हैं हेलो सप्लीमेंट विला, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है हिमालय लीवर 52 लेने से डाइजेशन स्ट्रांग होता है क्या, तो बिल्कुल स्ट्रांग होता है। दूसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग डे कितनी टैबलेट्स लीवर 52 की लेनी चाहिए, तो एक टैबलेट बहुत होती है, ज़्यादा ही परेशानी तो 2 ले सकते हैं। फिर कह रहे हैं गट पावर और लीवर 52 दोनों एक ही दिन ले सकते हैं क्या, दोनों में क्या अंतर है, तो ले सकते हैं दोनों एक ही दिन, बट गट पावर यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है कंपेयर टू लीवर 52, तो गट पावर अगर ले रहे हैं तो लीवर 52 लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है बिजनौर जी कह रहे हैं जिला बिजनौर में भी शॉप की ओपन कीजिए, तो जरूर शॉप ओपन होगी जिला बिजनौर में भी। शहाज सिंह कह रहे हैं कार्ब साइकिल क्या है, तो कार्ब साइकिल ऐसा कुछ नहीं है, कार्ब साइकिल मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनटेक आप किस तरीके से शेड्यूल करते हो उसी को कार्ब साइकिल कहेंगे। यहाँ पर सुखी सिंह कह रहे हैं भाई बाइसेप्स का साइज कैसे बढ़ाएं, तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज करें, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग वर्कआउट करें और प्रोटीन इंटेक कंप्लीट रखें, बाइसेप्स का साइज बढ़ेगा। परने जी कह रहे हैं सुमित भाई मैंने आपको लास्ट वीक में स्टारएक्स न्यूट्रिशन ब्रांड को लेकर भला बोला उसके लिए सॉरी, लव यू सुमित भाई। और सुमित भाई आरसी किंग मास से ओनली वेट बढ़ रहा है, मसल गेन नहीं हो रहा है, क्या करूं? तो देखो प्रणय कोई बात नहीं, आप फैमिली मेंबर हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, और सैल्यूट है आपको इस प्यार और सपोर्ट के लिए, और सवाल जवाब चलते रहने चाहिए। और यहाँ पर आरसी किंग मास से आपको सिर्फ जो है वेट बढ़ रहा है, देखो वेट तो बढ़ेगा बट मसल साइज के लिए देखो आप ऐसे करें कि अपना टोटल प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा सही रखें, आप उसमें जो है आरसी किंग मास को दूध में लें, प्लस में ड्यूरिंग डे भी थोड़ा सा अपना जो है प्रोटीन इंटेक अच्छा करें, दालें वगैरह जो हैं आपके जैसे मूंगफली हो गई रात को भिगो दो, सुबह जो कच्ची मूंगफली भिगो कर सुबह खाना, अगर नॉन वेज खा ले तो एग्स वगैरह हो गए, तो इस तरीके से अपना टोटल प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करें, क्योंकि मसल ग्रोथ होगी प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है रावण गेमिंग कह रहे हैं सर माई एज 15 ईयर ओल्ड, मेरा वेट 45 kg, हाइट 5'4" है, हेल्प मी, मुझे बल्क करना है, 60 वेट टारगेट है, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पर कोई सप्लीमेंट आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि एटलीस्ट जो मिनिमम एज है वो 15+ है, मतलब 16 साल की उम्र होनी चाहिए सप्लीमेंट के लिए। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डाइट पर विशेष ध्यान दें और उसी को फॉलो करें, और कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा लें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सके। यहाँ पर ब्रजमोहन जी कह रहे हैं सर वजन बढ़ाना है, तो वजन बढ़ाने के लिए आप डाइट पर ध्यान दें और पावर मास गेनर ऐड कीजिए। परने जी कह रहे हैं सुमित भाई मेरे समर सीजन के वजह मेरी भूख कम होगी, ये या बहुत मेरे को गट पावर लेने में डर लग रहा है, क्योंकि उससे लीवर या किडनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ्यूचर में? तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, गट पावर बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, नेचुरल टैबलेट्स हैं, आप उनको यूज़ कीजिए निश्चिंत होकर।
यहाँ पर पवनदीप जी कह रहे हैं मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच, वेट है 65, साइज गेन करने के लिए गेनर लूँ या प्रोटीन, प्लीज रिप्लाई ब्रो। तो यहाँ पर समझ गया, यहाँ पर साइज गेन करना है तो आपको लेना चाहिए प्रोटीन ना कि गेनर, क्योंकि गेनर बढ़ाएगा वजन, प्रोटीन देगा मसल साइज। तो प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन में आपके पास ऑप्शन है आरसी प्रोटीन ले लो, सिंथासिक्स ले लो, नाइट्रोटेक ले लो, आप जो है पावर प्रो ले लो, स्टारएक्स, तो काफी अच्छे ऑप्शन है। एज इज वेल कह रहे हैं सर प्लीज बरेली में भी शॉप ओपन करो, बरेली इज बिगेस्ट सिटी। तो मैं जरूर जो है बरेली में भी शॉप ओपन करूंगा, बट अभी पहले जो शॉप ओपन होगी वो होगी आपकी मेरठ उत्तर प्रदेश या कुरुक्षेत्र। तो ये दो जो है यहाँ से सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, तो यहाँ पर जो है ओपन होगी पहले शॉप, उसके बाद में फिर बरेली का भी नंबर आएगा। जितेश कुमार जी कह रहे हैं हाय, तो हेलो जी। नकुल जी कह रहे हैं सस्ता और सबसे बेस्ट वे प्रोटीन दिखाएं सर प्लीज सर। तो सस्ता और बेस्ट प्रोटीन देखो, बॉडी गोल क्या है उस पर्पज से मैं आपको बता सकता हूँ। अगर नॉर्मली आप लेना चाहते हो जीएनसी पीपीपी काफी अच्छा ऑप्शन है, 4000 रुपये में काफी सही ऑप्शन है वो आपके पास। चिराग जी कह रहे हैं हे सुमित जी, अवतार का वे प्रोटीन यूज कर रहा था, थोड़े दिन यूज किया पर उससे पोटी नहीं आती तो मैंने प्रोटीन बंद कर दिया, पर कोई ऐसा प्रोडक्ट मुझे डाइजेस्ट करे जिससे मसल भी बढ़े और वेट मेंटेन रहे, डाइजेशन और पोटी रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो इसलिए डाइजेस्ट हो जाए। सुमित जी मैं गट पावर भी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं स्टारएक्स न्यूट्रिशन का ही पावर प्लस मसल गेनर, वो वजन भी बढ़ाएगा और मसल साइज भी बढ़ाएगा और डाइजेशन का कोई इशू नहीं है क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिए हैं। गट पावर आप यूज़ कर ही रहे हैं तो आप वो यूज़ कीजिए। अगला क्वेश्चन है नवजोत जी कह रहे हैं सर मैंने आपसे 2 टाइम पावर मास गेनर 3 kg और 1 बार 6 kg पैकिंग ली, उसके बाद मेरा वेट 68 हुआ, मेरा बॉडी गोल मोटा तगड़ा होना है, अब मैं क्या लूँ, पावर मास गेनर या मसल गेनर? हाइट 6 फिट है, हाइट के हिसाब से मेरा वेट कितना होना चाहिए? मैंने पिछली वीडियो में भी पूछा था, आपने आंसर नहीं दिया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। नवजोत जी देखिए 6 फुट हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट एटलीस्ट जो है 80 किलो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको ये कि नहीं मेरे को वजन ही बढ़ाना है, वजन पर फोकस रखना है तो आपको मास गेनर ही लेना चाहिए, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से आप देखो 68 किलो नो डाउट 6 फुट के हिसाब से आप अंडरवेट ही हैं, बट यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आप क्वालिटी वाइज जो है अपना वेट पुट ऑन करें, मतलब क्वालिटी के हिसाब से अपने शरीर को बढ़ें, तो यहाँ पर आप पावर प्लस मसल गेनर लें, वो क्या है कि वजन भी बढ़ाएगा और मसल साइज भी बढ़ाएगा, तो बेटर ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर डीजे सुमी जी कह रहे हैं भाई मेरी एज 18 है, वेट 50 या 52 के आसपास है, तो मुझे अपना वेट गेन और मसल गेन करना है तो मैं कौन सा सप्लीमेंट लूँ, बताओ। लव यू सप्लीमेंट चला दो, लव यू टू इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। और यहाँ पर जो है आपको मसल साइज और वजन दोनों बढ़ाने, तो पावर प्लस मसल गेनर लें, उसके साथ एक क्रेडिन ऐड करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। यहाँ पर जो है भयानक मीमर कह रहे हैं सप्लीमेंट वाला बेस्ट आइसोलेट प्रोटीन फॉर रनिंग इन लो बजट एंड सजेस्ट मी बेस्ट मल्टीविटामिन माई लो बजट एंड लव फ्रॉम माई फैमिली, तो लव यू टू। और यहाँ पर आप जो है ले सकते हैं लो बजट में आइसोलेट प्रोटीन GNC आइसोलेट, एम्प आइसोलेट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, वो आई थिंक शायद 5500-5600 रुपये के अराउंड है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, आप supplementsala.com पर जाकर पता कर सकते हैं। और जो है मल्टीविटामिन में आपने स्टारएक्स मल्टीविटामिन स्प्रिलुना भी है तो बेस्ट मल्टीविटामिन है, प्राइस सिर्फ 900 रुपये है। अगला क्वेश्चन है ब्रजमोहन जी कह रहे हैं सर मेरी एज है 21 वेट है 40 क्या करूं? तो एज 21 वेट 40, तो यहाँ पर आप लें स्टारएक्स पावर मास गेनर, डाइट पर फोकस रखें ताकि शरीर बढ़ सके और रिजल्ट आपको अच्छे आ सकें। यहाँ पर जो है डीजे सुमी जी कह रहे हैं भाई जी पानीपत या सोनीपत साइड भी ओपन करो ना शॉप प्लीज़, भाई रिक्वेस्ट है। तो बिल्कुल जो है वहाँ भी सप्लीमेंट्स वाला का आउटलेट ओपन होगा। अमित जी कह रहे हैं सर मैं लुधियाना पंजाब बागपुर से हूँ, मैंने गट पावर टेस्टो पावर और केटीन ऑर्डर किया था 13 मार्च को, पर 10 दिन हो गए हैं अभी तक मुझे मेरा पार्सल नहीं मिला है, फुल पेमेंट भी कर दिया है भाई, मेरे नेम अमित कुमार है सर। तो अमित जी मैं माफ़ी चाहूँगा, देखो काफ़ी जो है हमको पिन कोड्स पे काफ़ी डिले सर्विस मिल रही है, हमारे जो कोरियर पार्टनर है वो डिलीवरी हैं और डिलीवरी वालों की सर्विस अब काफ़ी जो है ख़राब होती जा रही है, ये मैं भी समझ रहा हूँ, तो हम जल्दी इसको इम्प्रूव करेंगे और दूसरे कोरियर पार्टनर हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप चिंता ना करें, यहाँ पर जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और मे बी शायद आपको जो है आपका पार्सल जो है आज या कल में ही मिल जाएगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक पार्सल जल्दी से जल्दी पहुंचे, सेफली पहुंचे, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मैं जरूर इसको जो है जल्दी से जल्दी करा दूंगा। क्वेश्चन है ब्रजमोहन जी कह रहे हैं ग्वालियर में ऑर्डर हो जाएगा तो ग्वालियर में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। पीयूष जी कह रहे हैं सुमित भैया पावर मास गेनर का बाल्टा से डाइट अच्छी रखूं तो वेट कितने दिनों में महसूस होने लगेगा? थैंक यू सप्लीमेंट सलाह। तो मेरे हिसाब से आपको जो है 10 से 12 दिनों में वजन बढ़ने जो है लगेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो है अंतर्यामी जैद कह रहे हैं सुमित भाई मेरे सुबह से लेकर शाम तक की डाइट आप बताइए मेरी डाइट सही है नहीं, मेरा वेट 40 kg है
तो यहाँ पर पूरा डाइट प्लान इन्होंने बता दिया है। पहले सुबह उठने के बाद थोड़ा टहलने जाता हूँ, फिर मैं बाद भीगा हुआ चना, मूंग, सोयाबीन, किशमिश, मूंगफली के दाने और दो चोहादा, दो फिर एक घंटे बाद एक पाव मिल्क और दो बनाना, फिर सुबह का नाश्ता, तीन फिर 10 बजे दो आलू, चार फिर दोपहर का खाना गट पावर, पाँच फिर एक एप्पल या कोई भी फ्रूट, सिक्स फिर शाम में जिम, फिर जिम के बाद में फिर से चना, मूंग, सोयाबीन, कीवी और तीन बॉयल्ड एग्स, फिर एक घंटे बाद रात का खाना, फिर आधे घंटे बाद पावर मास गेनर मिल्क ड्राई फ्रूट्स का शेक बनाकर पी लेता हूँ और 10 मिनट बाद मिल्क प्लस टेस्टो पावर भी, 7 घंटे की नींद। ये मेरी डाइट बेसिस उम्मीद भैया ठीक है। देखो डाइट आपकी अच्छी है नो डाउट, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा और कार्बोहाइड्रेट ऐड कर सकते हैं क्योंकि वजन आपका काफ़ी कम है। जैसे आप जो है इसमें बैलेंस टाइम मतलब 11-12 बजे के अराउंड आप जो है इसमें आप जो है सत्तू, जौ और चने वाला जो सत्तू आता है, गर्मियां हैं तो जौ चने का सत्तू ले सकते हैं आप, वो ऐड कर लें, थोड़ा बनाना शेक इसमें बीच में डालें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे। बाकी आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो सप्लीमेंट्स वाला को कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। तो शिवम जी कह रहे हैं सर पीनट बटर भी मिलता है क्या सप्लीमेंट वाला पर, तो नहीं, तो सप्लीमेंट वाला पर अभी कोई पीनट बटर अवेलेबल नहीं है, जैसी होगा मैं आपको बताऊंगा। यूसी गेमर कह रहे हैं सर नाइट्रो टैक ले रहा हूं, उससे पानी में लूं या दूध में, और दिन में कितनी बार लूँ? तो मैं समझ गया, तो यहाँ पर नाइट्रोटेक लेना है यार। नाइट्रोटेक को तो आपको दिन में एक बार ही लेना है जिम करने के बाद, बाकी ड्यूरिंग डे लेना चाहें तो हाफ स्कूप आप उसको दूध में भी ले सकते हैं। विशाल जी कह रहे हैं थैंक यू सुमित भैया लास्ट वीडियो में आंसर देने के लिए, लव यू सप्लीमेंट वाला फैमिली, तो थैंक यू विकास जी थैंक यू आपके इतने प्यार सपोर्ट के लिए। गौरी शंकर कह रहे हैं अलीगढ़ में एक ब्रांच खोलो गुरु जी, तो बिल्कुल इसके बारे में भी जो है जरूर सोचूंगा मैं। और यहाँ पर जो है भीम जी कह रहे हैं उत्तराखंड में भी शॉप खोलो सर, तो बिल्कुल उत्तराखंड में भी शॉप ओपन होगी। यहाँ पर निषाद राज जी कह रहे हैं जी सर प्लीज़ टोटल चार्ज कितना होगा, हम होम डिलीवरी टोटल लेनी चाहिए सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिए हुए हैं, वहाँ पर आप पूछिए कि आपको क्या आपका पिन कोड है, कितने जो है आपको क्या सामान चाहिए, तो पूरा आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी सप्लीमेंट्स वाला की तरफ से, आप निश्चिंत रहिए। सिंगर पंजाबी स्टेटस कह रहे हैं सर डिलीवरी होने पर पैसे देने होते हैं, तो बिल्कुल कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, आप जो क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रेम दिल वाले कह रहे हैं भाई क्या एग खाने के बाद प्री वर्कआउट में ओट्स खा सकते हैं? तो बिल्कुल एग खाने के बाद प्री वर्कआउट में ओट्स, देखो प्री वर्कआउट में ओट्स ले सकते हैं बट जो है कम से कम आधे पौने घंटे का आपको गैप रखना ही चाहिए। सनी दोयल अहमद कह रहे हैं भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रियली आई लव यू भाई जान एक बार बात करो ना प्लीज़, तो जो है लव यू टू इतने प्यार सपोर्ट के लिए, और आप फ़ैन नहीं फैमिली हैं, और निश्चित रहिए सप्लीमेंट्स वाला आपके साथ हैं। अगला क्वेश्चन है राहुल जी कह रहे हैं सर भोपाल में शॉप खोल दो, तो बिल्कुल जो है इसके बारे में भी मैं ज़रूर सोचूंगा, बट अगली जो शॉप है वो कुरुक्षेत्र और मेरठ में ओपन होगी, उसके बाद फिर जयपुर और देन फिर जो है आगे जाया जाएगा। जिम लवर जी कह रहे हैं हेलो सुमित भाई मेरा वेट 61 kg है और मेरी एज 26 साल है, हाइट 5'5" है, मुझे एक ईयर जिम जाते हो गया, मुझे वॉक बॉडी चाहिए के लिए मुझे क्या लेना चाहिए बताएं प्लीज़, 10 मंथ से जुड़ा हूँ सप्लीमेंट वाला से, आप सप्लीमेंट आपसे लेता हूँ, आपने फ्रेंड को भी आपसे दिलाता हूँ, तो इतने प्यार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद है। और अब मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ पाया हूँ कि ये वॉक बॉडी क्या होती है, वॉक बॉडी का मतलब नहीं समझ पाया कि मैं क्या है ये, तो आप मेरे को प्लीज़ प्रॉपर क्वेश्चन पूछिए, चाहे आप जो है कमेंट कीजिए दोबारा या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि मैं प्रॉपर समझ के प्रॉपर आपको आंसर कर सकूँ। अब आप मतलब आपने पूछ लिया मुझे समझ आ नहीं रहा फिर मैं क्या आंसर करूँगा, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, और इतने प्यार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद है आप। दीन इस्लाम यहाँ कह रहे हैं लीन गेनर यूज़ करने से क्या वेट एंड मसल थोड़ी बहुत कम भी होती है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लीन गेनर देखो लीन गेनर का मतलब मैं जो समझता हूँ वो ये है, क्योंकि सप्लीमेंट्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ मुझे पता है, सप्लीमेंट्स में लीन गेनर का मतलब है हाई प्रोटीन मास गेनर या मसल गेनर आप कह सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो पर प्रोटीन भी अच्छा खासा हो, तो लीन गेनर है और वो आपका वजन भी बढ़ाएगा और मसल साइज भी बढ़ाएगा। यहाँ पर कबड्डी अच्छा 20 कह रहे हैं भाई हिसार में शॉप ओपन रिक्वेस्ट है भाई, तो बिल्कुल जरूर इसके बारे में जरूर सोचूंगा, लव यू टू इतने प्यार सपोर्ट के लिए। के दास कह रहे हैं मैंने मसल बिल्डिंग करना चाहता हूँ मुझे कौन सा भी प्रोटीन खाना चाहिए? तो यहाँ पर गेनिंग प्रोटीन लीजिए, गेनिंग प्रोटीन में आपके पास ऑप्शन है RC प्रो एंटीएम नंबर 1, नंबर 2 पे आपका आएगा स्टारएक्स पावर प्रो नाइट्रोटेक और आपका सिंथेसिक्स, ये कुछ गेनिंग प्रोटीन्स हैं इनको आप यूज़ कीजिए। सुमित गुप्ता जी कह रहे हैं भाई प्लीज़ रिप्लाई करना मेरी एज 19 है, मेरा वेट 65 kg है, मैं कौन सा प्रोटीन लूँ जिससे मसल साइज़ बढ़े और पंप भी हो? तो मैं समझ गया, तो यहाँ पर आप जो है गेनिंग प्रोटीन्स ही ले सकते हैं, कि जैसे आपका जो है मैंने अभी बताया कि पावर प्रो स्टारएक्स न्यूट्रिशन जो है RC प्रो एंटीएम और नाइट्रोटेक, ये कुछ गेनिंग प्रोटीन्स हैं जो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। सचिन जी कह रहे हैं सबसे पहले तो सुमित भैया सॉरी टू से भाई आप पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो भाई, आपका लास्ट क्वेश्चन स्किप कर देते हो भाई, आप आजकल GNC वेट गेनर के बारे में बात
नहीं करते, मेरा वेट 49 kg है, मेरे को 65 तक करना है, बट मैंने तो GNC भी वेट गेनर की बकेट ऑर्डर कर दिया है, क्या ये अच्छे रिजल्ट देगा? तो देखिए बिल्कुल सचिन जी आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट हैं GNC PP वेट गेनर के, पर GNC PP वेट गेनर देखो मेनली मैं रिकमेंड करता हूँ अंडर 40 वालों को। दूसरा क्या है कि GNC PP वेट गेनर में एक तो सर्विंग बहुत ज़्यादा है, दूसरा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी सिर्फ माल्टोडेक्सिन है उसके अंदर, तो वो क्या है कि वो फैट थोड़ा ज़्यादा देता है, इसलिए जो है मतलब देखो जिसका वजन 40-35-40 ऐसे है यार उसको तो शरीर भरना ही है किसी तरीके से, तो वो उसको तो चल जाता है कि ठीक है GNC PP वेट गेनर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसका वेट जैसे आपका है गया 49 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, तो उनको फिर मैं कहता हूँ कि आप यार GNC PP वेट गेनर की जगह क्यों ना मास गेनर यूज़ करें, चाहे आप लबराडा ले लें, चाहे आप पावर प्रो ले लें, सॉरी पावर मास गेनर ले लें, तो वो आप लेंगे तो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है उसके साथ साथ प्रोटीन भी अच्छा खासा मिलेगा, प्लस में आपको वजन के साथ साथ मसल साइज भी पुट ऑन होगा, तो इसलिए जो है मास गेनर बेटर ऑप्शन है। बृंदरजीत सिंह कह रहे हैं भाई साइज गेन और स्ट्रेंथ गेन दोनों हो, तो साइज गेन और स्ट्रेंथ गेन दोनों हो तो आप लो स्टारएक्स न्यूट्रिशन पावर प्रो, क्योंकि प्रोटीन क्रिएटिन BCAA ग्लूटामिन सब कुछ है उसके अंदर, आप वो लीजिए काफी अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। संस्कार जी कह रहे हैं सर क्या क्या कैल्शियम की गोली खाएं तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? कैल्शियम की गोली खाएं या ना खाएं तो बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लॉन्ग टर्म ना खाएं, उसको जो है अपना एक महीने रखें फिर उसके बाद उसके ऑफ कर दें, इस तरीके से आप उसे लीजिए। अगला क्वेश्चन हरीश कुमार कह रहे हैं सर आप पलवल कौन से दिन, मथुरा कौन से दिन, दिल्ली में कौन से दिन मिलते हो, और आपसे डायरेक्ट बात कैसे नंबर से हो सकती है, नंबर बताओ सर, आपसे बात करने के टाइम भी बताओ प्लीज़। तो हरीश जी आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हो यहाँ से आप जो है बात कर सकते हैं मेरे से, और मथुरा जो है शनिवार को, और दिल्ली मोस्टली जो है मतलब हर 15 दिन में बुधवार को जाता हूँ, मतलब एक दो हफ्ते के बाद में एक हफ्ता समझे, मतलब 15 दिन का गैप रखता है, दो हफ्ते का गैप रहता है, और पलवल तो मैं मिलता ही हूँ। अगला क्वेश्चन है SK रबीउद्दीन कह रहे हैं सर बंगाल में एक शॉप ओपन खोली है तो मैं ज़रूर इसके शॉप को ओपन करेंगे बंगाल में भी। गौतम उपाध्याय कह रहे हैं MP इंदौर में कब शॉप ओपन होगी, तो MP इंदौर में भी शॉप ओपन होगी जल्दी, बट अभी जो अगली शॉप ओपन होंगी वो होंगी आपके कुरुक्षेत्र मेरठ, और उसके बाद जयपुर, दैन फिर MP की बारी आएगी। शैलेश कुमार कह रहे हैं सर मैं जिम नहीं जाता हूँ और मास गेनर ले लिया है अब और नाइट ड्यूटी करता हूँ, तो सर बताओ कैसे लूँ? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो जिम नहीं जाते, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप घर पे ही कर लीजिए, और मास गेनर को आप जो एक चम्मच एक्सरसाइज करने के बाद और एक चम्मच जो है ड्यूरिंग डे आप ले सकते हैं, ड्यूटी वाले टाइम पे भी आप उसे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर असगर हेलो जी रुपेश जी कह रहे हैं हापुर में भी शॉप खोलो भैया, तो बिल्कुल जो है इसके ऊपर मैं जरूर विचार करूंगा। राहुल जी कह रहे हैं हाय सर मैंने स्टारएक्स 3 kg मास गेनर लिया, मेरी 17 है 5-7 है, वेट 55 है, क्या मुझे एक और गेनर लेना चाहिए? तो 5-7-55 बिल्कुल आपको एक गेनर और एटलीस्ट लेना चाहिए, 60+ के बाद बेशक आप ना लें। पावर मास गेनर के साथ क्रिएटिन लेना जरूरी है क्या? गर्मी में भी बाल्टा 8-10 kg गेन करेगा, तो बिल्कुल गर्मी में भी 8-10 kg ही गेन करेगा, और क्रिएटिन ले लेंगे तो आपको थोड़े से रिजल्ट एडवांस हो जाएंगे। विशाल कुमार जी कह रहे हैं पावर प्रो कैसे यूज़ करें, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो पावर प्रो प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइज तो यार देखो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, जो आपका बॉडी गोल है उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज कीजिए। आपको जो है अगर मसल बिल्डिंग करनी है तो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी जो है, अगर आपको यह है कि बॉडी में कटिंग निकालनी है तो आपका इंटेंसिव वर्कआउट होना चाहिए, थोड़ा क्रॉसफिट वगैरह भी ऐड होना चाहिए, तो इस तरीके से आप अपने बॉडी गोल के हिसाब से एक्सरसाइज डिज़ाइन करें। दूसरा क्या है कि आप पावर प्रो को एक्सरसाइज करने के बाद एक स्कूप लें पानी में, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। रुद्रेश दीक्षित कह रहे हैं मथुरा का पर्टिकुलर डे क्या है भैया विजिट का? तो शनिवार रहेगा मथुरा का पर्टिकुलर डे, और जो है मैं हर वीक शनिवार को मथुरा मिलूंगा। यहाँ पर जो है जाली में भाई कह रहे हैं राम राम सुमित भाई मैं बागपत से हूँ और मैं अंदर वेट हूँ, कौन सा गेनर लूँ? भाई एक शॉप बागपत में भी ओपन करो, आपकी मेहरबानी होगी। तो बिल्कुल जो है बागपत में भी शॉप ओपन होगी, और यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा आप जो है अंडर वेट हैं तो आप लें पावर मास गेनर, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। जी जी कह रहे हैं चर्बी घटाने के लिए कौन सा फैट बर्नर लूँ? तो यहाँ पर आप ले सकते हैं बर्न प्रो स्टारएक्स न्यूट्रिशन सबसे हैवी फैट बर्नर है, या फिर मसलटेक हाइड्रोक्सीकट मैक्स जेन। मोहित वर्मा कह रहे हैं सर जम्मू में भी अपनी शॉप खोलो प्लीज़, तो बिल्कुल जो है इसके बारे में जरूर सोचूंगा। यहाँ पर सनराज गेमिंग कह रहे हैं हेलो सर दिल्ली में फ्री डिलीवरी है? तो बिल्कुल फ्री डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया। रियल हॉक गेमिंग कह रहे हैं सर पिंपल्स निकल आए हैं हेड पे बहुत सारे, प्रोटीन भी आपसे ही बाय किया था और पानी भी काफ़ी पीता हूँ और प्रोटीन के साथ कोई और गलत चीज़ यूज़ नहीं करते, कैसे ठीक होंगे सर? रिप्लाई जरूर करना, और स्किन पे डैंड्रफ भी होने लगी है। तो देखिए प्रोटीन की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर अगर आपको हो रही है तो इसमें आपको दो ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप ऑलरेडी कह रहे हैं पानी अच्छे पीते हैं, तो पानी अच्छा पिए, प्लस में थोड़ा विटामिन सी जैसे आंवला जूस वगैरह वो ऐड कर लें, और दूसरा आप प्रोटीन की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। कौन सा प्रोटीन आपने लिया है ये भी मुझे बताइए ताकि मैं प्रॉपर आपको गाइड कर सकूँ। यहाँ पर सनोज रॉय कह रहे हैं दिल्ली में कैश होम डिलीवरी अवेलेबल है? तो बिल्कुल अवेलेबल है, आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उज्जैनी कार्टून्स कह रहे हैं भाई जान
असम दाबुरी में शॉप ओपन करो प्लीज़ प्लीज़, ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे। इतना प्यार इतना सपोर्ट आप दे रहे हैं, मैं ज़रूर इसके बारे में सोचूंगा। सुमन जी कह रहे हैं सर कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है होता है मोटा करने के लिए, तो आपने पावर मास गेनर दी बेस्ट मास गेनर है। साहिल शर्मा कह रहे हैं सर जीएनसी गेनर एंड पावर मास गेनर में कौन सा बेस्ट है, तो नो डाउट पावर मास गेनर बेस्ट है क्योंकि उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, कार्बोहाइड्रेट जो दिए हुए हैं वो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो पावर मास गेनर बेटर ऑप्शन। पंजाब किंग्स कह रहे हैं सर गिफ्ट में फुल स्लीव टी शर्ट प्रोवाइड कराते हो क्या, जीएनसी प्रोडक्ट के रिव्यू कैसे हैं, मैंने वेट गेनर लिया था आपसे मुझे अच्छा रिजल्ट आया है, थैंक्स भाई। तो बिल्कुल जीएनसी अगर वेट गेनर की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, और जो टी शर्ट सप्लीमेंट्स वाला की तरफ से आपको मिलती है वो फुल स्लीव ही हाफ स्लीव होती है, और वैसे भी गर्मियाँ यार हाफ स्लीव ही चलेगी। गुलशन जी कह रहे हैं सर प्लीज़ रिप्लाई जरूर करें, मेरी उम्र 24 साल है, हाइट 6 फुट है, मेरा वजन 56 से 57 kg, शरीर पतला है और बॉडी बनाना चाहता हूँ, मुझे पहले प्रोटीन लेना चाहिए या गेनर? तो मैं समझ गया 56-57 है, तो आप पहले मास गेनर लीजिए ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट आ सकें, क्योंकि शरीर के मतलब हाइट के हिसाब से आपका वेट काफ़ी कम है, तो आप मास गेनर लीजिए। अब्दुल रहमान कह रहे हैं सुमित भाई ये बताएं पावर प्लस मसल गेनर से बल्किंग होगी, जो बॉडी में कटिंग होगी वो चली जाएगी क्या, और इस सप्लीमेंट से पेट भी आएगा क्या, इसका पेट ना हो इससे वेट भी बढ़ाए ना आया, ओनली मसल मास, जिसकी मस्कुलर बॉडी है वो ये ले सकता है नहीं या नहीं, और मस्कुलर बॉडी करने के लिए मसल मास ओनली गेन करने के लिए मसल गेन? मैं समझ गया आपके बात, देखो अब्दुल रहमान जी आप निश्चिंत रहें, जो भी आप मास गेनर लेंगे जो ले रहे हैं उसमें 22 ग्राम प्रोटीन है, 25 ग्राम कार्ब्स है सारेक्स पावर प्लस मसल गेनर में, और उससे कटिंग बॉडी की नहीं जाएगी, थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ेगा और मसल साइज भी अच्छा खासा आपको आएगा। शेडो हंटर कह रहे हैं भैया जी मेरी एज है 16, हाइट है 5'6", वेट है 57, ओनली मसल और वेट गेन बिना फैट के, मैं कौन सा सप्लीमेंट लूँ, अंडर वेट हूँ क्या प्लीज़ टेल मी? तो यहाँ पर लें आप स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर प्लस मसल गेनर, जो कि बेटर ऑप्शन है, जिसमें आपको 22 ग्राम प्रोटीन है, 25 ग्राम कार्ब्स है, मतलब वजन भी बढ़ेगा और आपको मसल साइज भी गेन होता रहेगा। अमित जी कह रहे हैं क्रिएटिन पानी के साथ लेने से रिजल्ट मिलेगा या नहीं, गन्ने का जूस गांव में नहीं मिल पाता है, इस टाइम ग्लूकोज डी मिला कर ले सकता हूं? तो बिल्कुल जो है क्रिएटिन जो है आप जो है ठंडे पानी में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट नॉर्मल पानी लेंगे तो बेटर है, और आप उसमें ग्लूकोन डी भी मिलाकर ले सकते हैं। आदित्य जी कह रहे हैं सर फैट लॉस के लिए कुछ बदली, तो फैट लॉस के लिए आप फैट बर्नर ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। द किंग FF गेमिंग कह रहे हैं भाई मेरी 17 साल के हैं, क्या मैं कट पावर ले सकता हूं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल टैबलेट है, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अर्शद जी कह रहे हैं रियाज के बारे में भी पूछ लिया तो कमेंट ही नहीं शो करा, बात सही नहीं है, उसे रिजल्ट आए या नहीं? तो अर्शद जी मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपका कौन सा कमेंट नहीं शो किया है, और रियाज के बारे में जो है मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, और रियाज में भी जो है दोबारा विजिट भी करेंगे सप्लीमेंट्स वाला, उनको रिजल्ट आए हैं बट जो है नो डाउट मेरी उनसे बात हुई थी बट उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाए हैं, क्योंकि देखो नो डाउट यार बॉडी को मतलब समझ रहे हैं आप 1 से 2 साल जो हैबिट रही है वो स्टीरॉयड्स की, वो जो वो लेते थे गोलियां वगैरह, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी उनकी जो है भूख भी डाउन हुई थी, भूख तो इम्प्रूव है और रिजल्ट आ रहे हैं बट काफ़ी स्लो रिजल्ट आ रहे हैं, और जल्दी ही वो विजिट भी करेंगे सप्लीमेंट्स वाला, तो उसके साथ फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपका कोई कमेंट जो है हमारी तरफ से बिल्कुल लीड नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और आपने जो कमेंट किया है इसका मैंने अब रिप्लाई किया, आपको कोई और भी कमेंट करना है तो आप जो है उसको हमसे पूछ सकते हैं। तलहा कह रहे हैं भाई आंध्र प्रदेश में को डिलीवरी होगा क्या, तो आंध्र प्रदेश में डिलीवरी अवेलेबल है। तो यहाँ पर सौरभ कपूर जी ने काफ़ी बड़ा क्वेश्चन पूछा है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहे हैं सर सबसे पहले तो दो चीज़ों के लिए आपका दिल से थैंक्स है, बिकॉज हमेशा कहते हैं क्वेश्चन रिसर्च करके पूछता हूँ जिससे पूरी फैमिली की नॉलेज बढ़ती है, और जब आप तारीफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड सर मैंने 3 वीक पहले आपको बताया था मैंने आपसे डायमेटाइज सुपर मास गेनर लिया, 6 LBS डाइट प्लान पूरा फॉलो किया, 5 kg वेट बढ़ गया, तो सबसे पहले आपको बधाई है और थैंक्स सर ओरिजिनल सप्लीमेंट देने के लिए। सर मैंने आज का क्वेश्चन ट्रूबुलस को लेकर है, मैंने ट्रूबुलस लेनी है। सर मैंने देखा होगा सब कंपनी ट्रूबुलस के वे एक चीज़ हमेशा मेंशन करते हैं करती हैं 40% सेपोनिन्स या 45% सेपोनिन्स, इवन कुछ कंपनीज तो अपनी वेबसाइट पर लैब रिपोर्ट्स डाल रखी है कि हमारे प्रोडक्ट में इतने सेपोनिन्स हैं। तो सर ये सेपोनिन्स क्या होता है और क्या ये इम्पोर्टेंट होता है? ठीक है तो यहाँ तक कवर कर लेते हैं। तो देखिए ट्रूबुलस में जो सेपोनिन्स होता है मतलब उसकी कह सकते हैं आप केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये ट्रूबुलस में सेपोनिन्स, और नो डाउट कि इसकी परसेंटेज मतलब ऐसा रिसर्चेज कहती हैं, काफ़ी सारे जो हैं ऐसी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि जितनी ज़्यादा सेपोनिन्स जो हैं परसेंटेज होगी उतना ही बेटर होगा ट्रूबुलस, मतलब आपके जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, आपकी जो है लिपिड प्रोफाइल के लिए, आपके जो है टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने के लिए। पर बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है नहीं होता है, पर चलिए
मतलब बेसिकली क्या है कि यार प्लांट बेस है, नेचुरल है, तो कोई भी इसके नुकसान नहीं है, एटलीस्ट ये तो हमारे पास सेफ्टी है। तो ये है, ये होता है केमिकल कंपाउंड्स इन ट्रिबुलस, तो सिंपली है बिल्कुल। और यहाँ कह रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब में 40-45% होता है, बिल्कुल इतना ही होता है। पर मसल टेक के ट्रिबुलस में 90% सेपोनिन्स होती है, इस हिसाब से तो वो सबसे बेस्ट हुई। तो मसल टेक के ट्रिबुलस वैसे भी बेस्ट ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपकी वेबसाइट पर मसल टेक के ट्रिबुलस, गेट के ट्रिबुलस कुछ भी नहीं है। और वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसल टेक के ट्रिबुलस इवन नाउ ट्रिबुलस भी अब इंपोर्ट नहीं हो रही है, वरना पहले वो सप्लीमेंट्स वाला पर अवेलेबल होती थी, बट अब नहीं है वो अवेलेबल। और बिल्कुल ऑनलाइन जो है, जितने भी आप ये देख रहे हैं, ये ट्रिबुलस वो ट्रिबुलस, मतलब कह रहा हूँ 95% जो है फेक सप्लीमेंटेशंस हैं। और यहाँ पर मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि आप जो है ना लें ऑनलाइन तो बेटर है। और अभी सप्लीमेंट्स वाला पर कोई भी ट्रिबुलस अवेलेबल नहीं है। आपको मिल सकता है टेस्टो पावर, जिसके अंदर ट्रिबुलस भी अवेलेबल है। जी हाँ, टेस्टो पावर बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपको ट्रिबुलस, अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूंग सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये है सारी चीज़, और जैसे ही ट्रिबुलस अवेलेबल होगी सप्लीमेंट्स वाला पर वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है D4 फैट्स, कह रहे हैं सर आपने कहा वर्कआउट में ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 50 ग्राम प्रोटीन लेने का मतलब है, एक या दो स्कूप, जो बॉडी बिल्डर होते हैं पोस्ट वर्कआउट में 6-7 स्कूप प्रोटीन पाउडर लेते हैं। तो देखिए, समझिए मेरी बात को, देखो बॉडी बिल्डर की डाइट को, उनकी एक्सरसाइज को आप अपने से कंपेयर ना करें यार। वो आप कहने लगे वो तो अपने 6-6 घंटे जिम में भी बताते हैं, आप 6 घंटे वर्कआउट हम कर लेंगे, आप कर लेंगे, नहीं। हमको वर्कआउट करना है कि हम फिट रह सकें, थोड़ा मसल साइज गेन हो जाए। और जो बॉडी बिल्डर है वो उनका प्रॉपर जो है उनका फील्ड है, उनका स्पोर्ट्स है, तो उनके हिसाब से आप जो है ना देखें अपने आप को, ना ही उनकी डाइट को कॉपी करने की कोशिश करें, ना ही उनकी डाइट को आप फॉलो कर पाएंगे, और ना ही आप उनकी एक्सरसाइज शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आप वहाँ से कुछ चीज़ नहीं करें। वो बॉडी बिल्डिंग एक अलग फील्ड है, अलग उनका स्पोर्ट है, अलग उनका डेडिकेशन है, अलग उनका। और वो क्या है कि अगर आप मोस्टली देखेंगे तो 90% जितने बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग ही करते हैं, वही उनका प्रोफेशन है, वही उनका अर्निंग सोर्स है, वही सब कुछ है। तो इसलिए आप समझें इस चीज़ को कि आप वहाँ से कभी भी कोई चीज़ देख कर ये ना करें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा ना करें, आपको नॉर्मल अपने हिसाब से डाइट प्लान फॉलो करो, अपने बॉडी गोल के हिसाब से। आम आदमी यार मैक्स टू मैक्स 1-2 घंटे 2.5 घंटे तक वर्कआउट कर सकता है, तो उसके हिसाब से आप अपने फिटनेस गोल्स के हिसाब से डाइट प्लान फॉलो करें। फिर कह रहे हैं सर आपने कहा था कि न्यू शॉप ओपन होने के बाद सप्लीमेंट तो इसको लेकर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही शॉप, और शॉप में नहीं थे आप, मैं आया था, मैं ऑन गोल्ड का प्रोटीन ले गया था, कैसे करके साइज गेन के लिए बेस्ट रिजल्ट के लिए ब्रो। तो यहाँ पर मैं समझ गया ऑन गोल्ड बहुत अच्छा प्रोटीन है, जब आप ले गए तो उससे अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे, आप निश्चिंत रहें। यहाँ पर दिलीप जी कह रहे हैं 1 kg चिकन में कितना ग्राम प्रोटीन होता है। तो देखिए यहाँ पर तो क्वालिटी पर मैटर करती है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 250-1 ग्राम तक जो है प्रोटीन रहता है 1 किलो चिकन में। D4 फैक्ट्स कह रहे हैं सर स्टारएक्स न्यूट्रिशन का प्रोटीन लेना चाहता हूँ, दिन में 3 बार 2 स्कूप पोस्ट वर्कआउट में, 1 नाइट को साइज गेन टैबलेट के साथ, और मैं 2 टाइम चिकन चावल खाता हूँ, 500 ग्राम चिकन। तो बिल्कुल बहुत अच्छी डाइट है, पर 2 स्कूप आप स्टारएक्स प्रोटीन ना लें तो बेटर रहेगा। 1-1 स्कूप दिन में 2 बार ले लें, या 1-1 स्कूप दिन में 3 बार ले लें वो भी चलेगा, पर 1 बार में 2 या 3 स्कूप ना लें आप। कृष्णनंद जी कह रहे हैं सर मेरा वजन 48 kg है, मेरे गाल भी पिचके पिचक गए हैं, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन सा मास गेनर। तो यहाँ पर आप लें पावर मास गेनर, नंबर 1 मास गेनर है वो आप लें, और उसी के साथ में जो है आप एक क्रेडिन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो। शिवम जी कह रहे हैं भैया मेरी 17 है, मेरी बॉडी बिल्कुल पतली है, तो पावर मास गेनर लें, डाइट का ध्यान रखें, आपकी बॉडी जो है भर जाएगी। चीनू जी कह रहे हैं एक्टोमोर बॉडी टाइप वीडियो बनाओ, तो जरूर मैं इसको लेकर वीडियो बनाऊंगा। जितेंद्र कुमार जी सर एक शॉप मेरठ में भी ओपन करो, तो जल्दी ही शॉप ओपन होगी मेरठ उत्तर प्रदेश में सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट की, निश्चित रहें। आशीष कपूर जी कह रहे हैं सर क्या वे प्रोटीन को हम अपने फास्टिंग के दिन ले सकते हैं, फास्टिंग में सॉल्ट नहीं खाता हूँ, बिना सॉल्ट के खाना खाता हूँ, वे प्रोटीन में सॉल्ट होता है, क्या हम उसे फास्टिंग वाले दिन ले सकते हैं। तो बिल्कुल वे प्रोटीन यार दूध से बनता है, उसमें कोई भी मतलब नॉन वेज, एटलीस्ट मतलब नॉन वेज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, 90-95% वे प्रोटीन वेज होते हैं, बाकी हाँ किसी किसी प्रोटीन में थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है, तो वो चीज़ आप इंग्रेडिएंट्स में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अंतरे मिशेल कह रहे हैं सर आप वाराणसी में भी सप्लीमेंट वाला ओपन करें के बारे में सोचिए और कुछ बताइए, तो जरूर मैं इसके बारे में सोचूंगा और जल्दी आपको अपडेट करूंगा। अगला क्वेश्चन है अरफत मॉडल कह रहे हैं सर जी पहले तो दिल से बहुत शुक्रिया पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और अभी रमज़ान लग रहे हैं और हम अभी दिन भर कुछ नहीं खा सकते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक तो गेनिंग करना है, क्या लूँ सप्लीमेंट लें, कौन सी डाइट लें, हमें सिर्फ मसल साइज गेन करना है, प्लीज़ हेल्प मी, लव यू सप्लीमेंट सर, तो लव यू टू। अब यहाँ पर अरफत जी देखो यार अब रमज़ान लग रहे हैं तो इसमें देखो समझो मेरी बात को कि 4 से 7 तक आप कुछ नहीं खा सकते, 7 से लेके और फिर वही सुबह 3 तक आप खा सकते हैं, तो उसमें आप अपनी डाइट फॉलो करें यार। मैं कहूँगा कि आप सप्लीमेंट अभी ना लेके थोड़ा आपका ये रमज़ान वाला महीना चला जाएगा, देन उसके बाद सप्लीमेंट ऐड करें तो बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखो सप्लीमेंटेशन में क्या है
कि हमको डाइट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो आप ये है कि बस एटलीस्ट आपका वजन ना बढ़े तो गिरे भी ना, एटलीस्ट वो आप मेंटेन करें। उसके लिए आप यार अपना हाई कार्बोहाइड्रेट फूड हो गया आपका, जैसे पिंड खजूर वगैरह हो गए हैं आपके, जैसे कि बनाना हो गए हैं आपके, जैसे आलू हो गए हैं, रोटी चावल, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। और अगला क्वेश्चन है डी फोर फैक्स, ये कह रहे हैं सर गेनर में प्रोटीन पता लगा का है लैब टेस्ट कितने ग्राम प्रोटीन है, तो बिल्कुल लैब टेस्ट के थ्रू ये पता लग जाता है। शिवम जी कह रहे हैं सर मास गेनर रिजल्ट अच्छा है पर थोड़ा पेट निकला है तो फिर मुझे कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, मेरे पेट अंदर हो जाए बॉडी पे कटिंग दिखे, तो यहाँ पर आप प्रोटीन ले सकते हैं गेनिंग प्रोटीन, आप जो है पावर प्रो साइज गेनिंग प्रोटीन लें वो बेस्ट है। और मास गेनर की लैब टेस्ट रिपोर्ट को लेकर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। यहाँ पर जी आकाश जी कह रहे हैं भैया जी मुझे आपसे मिलना है, आप ज़्यादातर पलवल वाली शॉप पर रहते हैं या कहीं और? बिल्कुल पलवल वाली शॉप पर मैं ज़्यादातर रहता हूँ, शनिवार को मैं जो है मथुरा रहूँगा। संजीव जी कह रहे हैं हेलो भैया मुझे गट पावर चाहिए, क्या भोपाल में डिलीवरी हो जाएगी? तो बिल्कुल भोपाल में डिलीवरी ओपन है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मूवी सिद्धू ने कह रहे हैं क्या ग्रीन टी पीने से बेली फैट कम होता है? तो ऐसा देखो नहीं है, बाकी हाँ ग्रीन टी जो है आप पियेंगे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे तो कुछ मेटाबॉलिज्म हाई होगा, अब बेली फैट तो कम करने के लिए आपको डाइट पर कंट्रोल और एक्सरसाइज रेगुलर करनी होगी। एंटरटेनमेंट फोरकास्ट राजा कह रहे हैं हेलो भाई भाई एक्सरसाइज करने के कितनी देर बाद मास गेन लेना चाहिए? तो एक्सरसाइज करने के आप जो है 10-15 मिनट बाद मास गेन ले सकते हैं। कि भाई क्या ग्लूकोज डे के साथ ग्रेडिन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ग्लूकोज के साथ में ग्रेडिन आप ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। उस्मान खान कह रहे हैं भाई मेरी ये 17 है, वेट है 41 kg, मैं डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी गेन नहीं लग रहा है, 7 महीने हो गए हैं मैं जिम करता हूँ, कोई सप्लीमेंट बताओ? तो यहाँ पर पावर मास गेनर आप ऐड करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकें और डाइट पर विशेष ध्यान रखें, बाकी ध्यान हम रखेंगे आपका। रंजीत जी कह रहे हैं सर आपने पिछली वीडियो में आंसर नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का, मैंने पूछा था कि अदर ब्रांड्स के टेस्ट बूस्टर टैबलेट लेने ठीक हैं जिसमें नेचुरल हर्ब्स होते हैं, प्लीज़ स्किन और हेयर से रिलेटेड भी एडवाइस किया करें, लव यू फ्रॉम पंजाब। तो बिल्कुल देखो ब्रांड से मैटर नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको अच्छे से जो है रहने चाहिए, क्योंकि फेक सप्लीमेंटेशंस और फेक ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं जो है ब्रांड पर ना जो है कुछ कमेंट करके मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो है रॉ आपका शुगंधा शतावर सफेद मूली कौच बीज शाल पंजा ये सारी इस चीज़ को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें पंसारी की दुकान में अंदर जाके वो वीडियो बना के आया, तो वीडियो भी आप देख सकते हैं। पीयू जी कह रहे हैं सुमित भैया आप ये सब पुरानी वीडियो डालते हो, मैंने देखा राजू न्यू वीडियो डालते होंगे, प्लीज़ डेली डाला करो। तो देखो मैं पुरानी वीडियो नहीं, बेसिकली क्या है कि जैसे कोई वीडियो आज बनी है तो नेचुरल सी बात है यार 3-4-5 दिन लग जाते हैं उसको मतलब शेड्यूल लगाने में, उसको एडिट वेडिट करने में, तो इतना टाइम लग ही जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिवम जी कह रहे हैं सर मैंने मास गेनर लिया था उससे मुझे रिजल्ट मिला, मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर, वेट 65 kg है, मेरा थोड़ा पेट निकला हुआ है, पेट भी अंदर जाए, कौन सा प्रोटीन लूँ, पावर प्रो वर्सेस आइसो सेंसेशन लूँ या कोई और लूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पर आपने पावर प्रो बेस्ट प्रोटीन है क्योंकि वो सिर्फ मसल साइज गेन करेगा और आपको जो है पेट अंदर जाएगा आपकी एक्सरसाइज से। आमिर खान कह रहे हैं हाई भाई आपकी एक शॉप हैदराबाद में ओपन करो, तो ज़रूर इसको लेकर मैं विचार करूंगा। फिर आमीन खान फिर से कह रहे हैं हाई सर मेरी हाइट है 5'5" और एज है 28, कितना वेट होना चाहिए? तो आपकी हाइट 5'5" है, वेट एज 28 है, तो देखो आपका जो है वेट 60 kg तक एटलीस्ट होना ही चाहिए। दीवानी छोरे कह रहे हैं सर नाभि धरण की प्रॉब्लम है तो क्या करें, कोई सॉल्यूशन तो बताओ, मैंने गट पावर और मास गेनर दोनों मंगवाए हैं, मास गेनर लेते समय साथ में केला खजूर दोनों ही चले, ड्राई फ्रूट्स ब्रांड ब्रेड के अलावा या ड्राई फ्रूट्स ब्रांड ब्रेड साथ में लेने से वजन बढ़ेगा? बिल्कुल दोनों को साथ ले जाएं। और देखो नाभि धारण की प्रॉब्लम में बहुत सारी ऐसी स्ट्रेचिंग्स हैं जो आती हैं, बहुत सारे ऐसे योग हैं योगासन हैं जिनको आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और सर मैंने मास गेनर बाल्टा मंगवाया तो सर उसमें टी शर्ट क्यों नहीं आया? तो टी शर्ट जो है अभी आउट ऑफ स्टॉक थी तो इसलिए मैं भी आपको नहीं मिल पाई है, मैं माफ़ी चाहूँगा, अगली बार आपको दो टी शर्ट जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और बाल जड़ रहे हैं कौन सा सप्लीमेंट, तो यहाँ पर बाल झड़ने के लिए एक मल्टी विटामिन जरूर ऐड करें, प्लस में बायोटीन सप्लीमेंट आप ऐड करें ताकि आपको बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा मिल सके। यहाँ पर ब्लैक लिस्ट कह रहे हैं भैया मैंने वेस्ट बंगाल से हूँ सप्लीमेंट ऑर्डर करना चाहता हूँ कैसे करना है प्लीज़ बताओ? तो वेस्ट बंगाल से हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, वहाँ पर कॉल कीजिए व्हाट्सअप कीजिए आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन थे लास्ट वीडियो में जो आपने पूछे थे, कोई क्वेश्चन है तो वीडियो पूछे, वीडियो चलेगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देते रहने के लिए आज को नई वीडियो में, तो नमस्ते।